नमस्कार आदाब, न्यूज 5 एम जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। आइए नजर डालते हैं जमशेदपुर की खबर पर। बीते 5 मई को नीट यूजी की परीक्षा का आयोजन पूरे देश भर में करवाया गया था। इसके बाद रिजल्ट की तारीख 14 जून को तय की गई थी, लेकिन पेपर लीक के मामले की लिपापोती करने के मकसद से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा लोकसभा चुनाव के मतगणना के दौरान 4 जून को ही नीट यूजी 2024 के परिणाम की घोषणा कर दी गई थी, जिसके बाद देश भर के छात्र छात्राओं ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपना विरोध प्रकट करना शुरू किया। इसके साथ ही देश के कई राज्यों में पेपर लीक के आरोपी अब भी गिरफ्तार नहीं है। परीक्षा में पेपर लीक हुई है ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, परंतु इस सब के बावजूद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा ना तो कोई ठोस कदम उठाया गया और ना ही किसी प्रकार का संतोषजनक जवाब दिया जा रहा है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के इस रवैये से देश भर के छात्र मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं और बड़े ही दुख के साथ आपको बताना पड़ रहा है कि कई राज्यों से छात्रों के द्वारा आत्महत्या की खबर भी आ रही है। आज हम लोग बीते महीना 5 मई को नीट का एग्जाम लिया गया था, इसका रिजल्ट 14 जून को आने वाला था। इसमें जो है पेपर लीक हुआ और उसको लीक अप करने के लिए ये रिजल्ट को मतगणना का दिन अचानक से 4 जून को निकाल दिया गया। जैसा कि सब कुछ जानते हैं कि अब पेपर लीक हुआ है और ना और एसटीटी जो है इसमें नेशनल टेस्ट एजेंसी जो है इसमें अच्छे से कार्रवाई नहीं कर रही है। इसको लेके आज हम लोग यहाँ पे आए हैं और केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि पेपर को एग्जाम को रद्द किया जाए और एग्जाम को दोबारा लिया जाए। नीरज सिंह, जिला अध्यक्ष युवा कांग्रेस। 5 मई को जो नेट का एग्जाम हुआ था, उस नेट के एग्जाम में जो गड़बड़ी पाया गया है उसके विरोध में, उसके खिलाफ में आज हम लोग पूर्वी सिंहभूम युवा कांग्रेस कमेटी के द्वारा आज हम लोग जमशेदपुर उपायुक्त कार्यालय में प्रदर्शन कर रहे हैं और यही मांग कर रहे हैं कि इसका परीक्षा को दोबारा कराया जाए और इसमें जो भी पदाधिकारी मिली भगत है, किस कारण से गड़बड़ी हुआ है, जो डॉक्टरों का जो भविष्य अंधकार में है, इन सब विषयों पर आज हम लोग उपायुक्त से मिलेंगे, मिलके महामहिम और भारत सरकार को हम लोग ज्ञापन देंगे। राकेश साहू, प्रदेश महासचिव युवा कांग्रेस से।